इंडिया या फिर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, क्या है मोदी सरकार का प्लान जिससे कांग्रेस को मची खलबली? देश की राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बात चाहे दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाने की हो या फिर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम की, बात चाहे महंगे होटल्स में राष्ट्राध्यक्षों के VIP ट्रीटमेंट की हो या फिर लजीज पकवान से लेकर स्पेशल तोहफे विदेशी मेहमानों को देने की, भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। लेकिन इसी बीच विरोधी पार्टी कांग्रेस ने PM मोदी पर गंभीर आरोप लगाकर इस जश्न के मौके के बीच खलल डालने की कोशिश की है। विवाद शुरू हुआ उस निमंत्रण के बाद जो कांग्रेस को भेजा गया था। निमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे होने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर BJP को घेर रही है। इंडिया शब्द के हटने से कांग्रेस को ऐसी खलबली मची कि सोशल मीडिया पर एक एक कर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने लगे। आखिर कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद, इसे अब आप विस्तार से समझिए। आप जानते ही हैं 8, 9 और 10 सितंबर देशवासियों के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि G20 समिट हो रहा है और दुनिया के बड़े बड़े देशों के अध्यक्ष यहां पर आएंगे और ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी बीच दिल्ली समिट के लिए 9 सितंबर को रात्रि भोज होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन से सभी दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। आमतौर पर जब राष्ट्रपति भवन से कोई न्योता जाता है तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होता है, लेकिन कांग्रेस के पास जो निमंत्रण पहुंचा है उसे लेकर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, यानी इंडिया शब्द को हटा दिया गया। इस बात का जिक्र करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया और लिखा, तो ये खबर वाकई सच है? राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 रात्रि भोज के लिए सामान्य इंडिया के राष्ट्रपति के बजाय भारत के राष्ट्रपति के नाम पर निमंत्रण भेजा। अब संविधान में अनुच्छेद 1 पढ़ सकता है, भारत जो भारत था राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। जयराम रमेश के साथ साथ कई कांग्रेसी नेताओं ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई, जबकि BJP नेताओं ने इस मुद्दे पर जयराम रमेश के ही मजे लेने शुरू कर दिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने ट्वीट करते हुए लिखा, रिपब्लिक ऑफ भारत हैप्पी एंड प्राउड दैट अवर सिविलाइजेशन इज मार्चिंग अहेड बोल्डली टुवर्ड्स अमृतकाल। JP नड्डा ने लिखा, कांग्रेस को देश के सम्मान एवं गौरव से जुड़े हर विषय से इतनी आपत्ति क्यों है? भारत जोड़ो के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वालों को भारत माता की जय के उद्घोष से नफरत क्यों है? स्पष्ट है कि कांग्रेस के मन में न देश के प्रति सम्मान है, न देश के संविधान के प्रति और न ही संवैधानिक संस्थाओं के प्रति। उसे तो बस एक विशेष परिवार के गुणगान से मतलब है। कांग्रेस की देश विरोधी एवं संविधान विरोधी मंशा को पूरा देश भली भांति जानता है। दूसरी तरफ BJP सांसद हरनाथ सिंह यादव ने तो ये तक मांग कर डाली कि संविधान में बदलाव होना चाहिए और भारत शब्द को इसमें जोड़ना चाहिए। इस दौरान हरनाथ ने कई मुद्दों पर बात की, जरा सुनिए क्या कुछ कहा BJP सांसद हरनाथ सिंह यादव ने। और चाहते हैं कि इंडिया शब्द को हटा दिया जाए और भारत शब्द लागू किया जाए। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है। तमाम कोनों से ये मांग आ रही है और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है अंग्रेजों ने, उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, अपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं जो कहते हैं, लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूं कि सिंध से यदि इंडिया हो गया
तो वहां इंडोनेशिया में सिंध नदी कहां थी, एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में थे वहां सिंध नदी कहां थी, तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है वहां कहां थी। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए, इसलिए भारत होना चाहिए। दूसरे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ये कई अनेक बार कहा है कि जितने भी गुलामी की प्रतीक हैं, दास्ता के प्रतीक हैं, वो सब भारत भूमि से जाना चाहिए। उसी कड़ी में मेरा ये मत है कि संविधान में संशोधन करना चाहिए और उसमें भारत शब्द जोड़ना चाहिए। और अंत में मैं वेदों के एक श्लोक है उसको बोलना चाहूंगा, उसमें लिखा है स्पष्ट तौर से, उत्तरंग यत समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम् वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संततः। अर्थात समुद्र के उत्तर में हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में जो भूमि है उसका नाम भारत है। यहाँ की प्रजा को भारतीय प्रजा कहते हैं, इसलिए हमारे वेद में, संस्कृत के साहित्य में, हिंदी के साहित्य में, तमिल के साहित्य में, असम के साहित्य में, सब जगह भारत नाम है, इसलिए इस देश का नाम भारत होना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने तो इस मुद्दे पर कांग्रेसियों की बखिया उधेड़ दी, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर इंडिया और भारत को लेकर बहस शुरू कहां से हुई। आपको बता दें, हाल ही में एनडीए को चुनौती देने के लिए और पीएम मोदी को हराने के लिए सभी विरोधी दल एक साथ आए हैं और इस गठबंधन को नाम दिया गया है इंडिया। बीजेपी इसका लगातार विरोध कर रही है। उनका कहना है कि ये इंडिया नहीं बल्कि इंडी अलायंस है। कांग्रेस समेत सारी विपक्षी पार्टियां जानती हैं कि मोदी को हराना आसान नहीं है और इसीलिए साम दाम दंड भेद अपनाए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। देखिए, मैं ये अभियान नहीं चला रहा हूँ, सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है। और हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय संघ के सरसंघ चालक जी ने भी भारत शब्द के लिए उन्होंने अपील किया है कि देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। भारत, इस देश का जो नाम है वो भारत है, दूसरा कोई नाम नहीं। और दूसरे भारत में जो भारत शब्द में जो जज्बा है, जो भारत प्राणवान है, उससे हमको ऊर्जा मिलती है, एक श्रद्धा का भाव हमारा प्रकट होता है, वो इंडिया में दूर दूर तक नहीं है। और ये जो इंडिया शब्द है, अंग्रेजियों ने उनकी दृष्टि में हम जाहिल कौम थे भारत के लोग, और दुनिया के अंदर जहां जहां उनको लगता था कि ये जाहिल लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने इंडिया शब्द दिया है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे विकृत मानसिकता के तत्व हैं, लोग हैं जो कहते हैं, लोग गुमराह करते कि वो अंग्रेज सिंध की ओर से आए थे तो वो सिंध बोल नहीं पाते थे, इंड बोलते थे, तो धीरे धीरे करके इंडिया हो गया। मैं उन मूर्ख लोगों से, पागल लोगों से, ये शब्द जानबूझ के मैं प्रयोग कर रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, ये पूछना चाहता हूं कि सिंध से यदि इंडिया हो गया तो वहां इंडोनेशिया में सिंध नदी कहां थी, एंग्लो इंडियन जिस क्षेत्र में थे वहां सिंध नदी कहां थी, तमाम ऐसे देश हैं जिसके अंदर इंड शब्द है वहां कहां थी। तो ये इंडिया शब्द एक अंग्रेजों के द्वारा दी हुई हमारे लिए गाली है, इसलिए इंडिया शब्द जाना चाहिए। भारत शब्द जो है हमारी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का, सांस्कृतिक संपदा का, सांस्कृतिक हमारी पहचान का एक प्रतीक है, इसलिए होना चाहिए।